अस्सलाम वालेकुम, सच एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद साजिद। शामिल करते हैं इस वक्त के हेडलाइन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गैर मुल्की फंड्स की तफसीलात तलब कर ली और हिदायत की है कि मुकम्मल तफसीलात फराहम की जाएं कि किस मुल्क ने पाकिस्तान को कितने फंड्स दिए। वज़ीर रेलवे आज़म सवाती ने कहा कि रेलवे को मुनाफा बख्श इदारा बनाएंगे, चंद माह में फ्रेट को दो गुना करेंगे, आमदन दुगनी ना की तो रेलवे का हाल पाकिस्तान स्टील जैसा होगा। चेयरमैन सेनेट कायमा कमेटी दाखिला और पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर रहमान मलिक की बड़ी हमशीरा को इनके आबाई कब्रिस्तान सियालकोट में सुपुर्द खाक कर दिया गया। रहमान मलिक ने कहा कि बड़ी हमशीरा की हैसियत से मरहूमा इनके लिए माँ का दर्जा रखती थी। हमशीरा का इंतकाल सियालकोट में दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमत ने सेनेट इंतखाबात ओपन बेल्ट से कराने की हिमायत कर दी। सूबाई हुकूमतों ने सदारती रेफरेंस केस में जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान इंटर बैंक मार्केट में डॉलर की कीमत में मजमूई तौर पर 34 पैसे इजाफा हुआ और डॉलर 160 रुपये 17 पैसे पर बंद हुआ। पंजाब में आर्मी एक्शन में नालाम करदा गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पर फौरी पाबंदी आयद कर दी गई है। सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब वकास अली महमूद ने आर्मी एक्शन गाड़ियों की एक्साइज रजिस्ट्रेशन पर पाबंदी आयद कर दी है और अपने मातहत अफसरों को हुक्म दिया है कि रजिस्ट्रेशन से कबल आर्मी वाउचर्स की तस्दीक का फूल प्रूफ और शफाफ निज़ाम वाज़े किया जाए। नए तैनात होने वाले आईजी इस्लामाबाद पुलिस गद्दी का निशाना बनने वाले उसामा सती के घर पहुंच गए और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मुश्किल दौरा न्यूजीलैंड अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है और टेस्ट स्क्वाड के खिलाड़ियों ने वतन वापसी का सफर शुरू किया। नाजरीन, ये थे अब तक के हेडलाइंस। मज़ीद खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.sachexpressnews.com पर विजिट करें।